नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। श्री मैड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज की जगदीश मंदिर क्षत्रिय बाग पर बड़ी सभा संपन्न हुई। सभा की अध्यक्षता समाज के ही पूर्व अध्यक्ष महाधिवक्ता हाईकोर्ट श्री रमेश जी वर्मा ने की तथा अध्यक्ष श्री मनोज सोनी व उपाध्यक्ष श्री सुनील सोनी नाम का प्रस्ताव वर्तमान कार्यकारिणी के कोषाध्यक्ष श्री योगेंद्र सोनी ने किया तथा समर्थन श्री शैलेंद्र सोनी ने किया, जिनका ध्वनि मत से संपूर्ण समाज से स्वागत कर मनोनयन किया। मनोनयन पश्चात स्वर्णकार समाज के आदि देव महाराज अजमेर जी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन कर माल्यार्पण समाज के वरिष्ठों के साथ किया गया। सभा में समाज के पूर्व अध्यक्ष श्री जीडी सोनी साहब ने भी अपने उद्बोधन में कहा, समाज एकीकृत होकर नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर हो तथा समाज के होने वाले साल भर के कार्यक्रम का मैनिफेस्टो साथ लेकर चलें। पूर्व महिला अध्यक्ष श्रीमती हीरामणि सोनी ने भी अपने संबोधन में कहा, समाज के पदाधिकारियों सेवा संकल्प समर्पण को आत्मसात के साथ आगे बढ़ें। चलती सभा के सम्मुखी भगवान जगदीश का अन्नकूट महोत्सव और छप्पन भोग कार्यक्रम की रूपरेखा 12 जनवरी रविवार तय की गई, जिसका सभी ने एक मत से स्वागत किया तथा स्वर्णकार समाज के पितृ महापुरुष महाराज श्री अजमेर जी को दर्शनार्थ रखकर समाज जनों द्वारा अन्नकूट छप्पन भोग महोत्सव में खुले मन से सहयोग देने की घोषणा की गई। सभा को संबोधित वर्तमान महिला अध्यक्ष श्रीमती रीटा सोनी, श्रीमती मेड़, श्रीमती शारदा सोनी, श्री योगेंद्र सोनी, श्री राजेश सोनी ने भी किया। अंत में नव नियुक्त उपाध्यक्ष श्री सुशील सोनी अपने संबोधन में कहा, पूर्व में दृढ़ता से काम कर रही दो कार्यकारिणी में कार्य प्रणाली को लेकर मत भिन्नता थी, लेकिन कहीं किसी प्रकार का मतभेद नहीं था। सभा में समाज के गणमान्य जन बड़ी संख्या में शामिल हुए, जिसमें श्री कैलाश सोनी, ओम सोनी, धीरज सोनी, नंदू जी सोनी, अरुण सोनी, दिनेश सोनी, श्रीमती गौरी शंकर जी इत्यादि लोग शामिल हुए। अंत में आभार श्री राजेंद्र जी सोनी ने किया। इंदौर से गणेश सोनी की रिपोर्ट। आगे आपके क्या कार्य योजना है कि आप समाज को जब एक गुट करा आपने तो आगे आप क्या करना चाहते हैं समाज के लिए? पहले तो हम ये चाहते हैं कि जो गरीब वर्ग हैं समाज के, उसके लिए कुछ अच्छे काम हो, धर्मशाला उसके उपयोग में आए, जो हमसे सेवा बन पड़ेगी हम उनके लिए हमेशा तत्पर तैयार रहे। आपको मालूम होगा हमारे समाज के बहुत से लोग गली गुच्चे में जिनको अभी तक पता नहीं है और ना वो समाज से जुड़े हुए, उनको जोड़ने के लिए आपके क्या योजना है? आपकी बिल्कुल सच्ची बात है, कल भी मेरे साथ एक ऐसा ही वाक्य हुआ है, उसको सुन के मैं भी बहुत हो रही है, तो मैं उसके लिए सब घर घर जाएंगे, हम बिल्कुल सबको जोड़ेंगे, समाज का एक भी घर उसको वंचित नहीं रह पाएगा। आगे सहमति से पूरी टीम पूरे लगन, उनको भी कहीं ना कहीं दिक्कत या परेशानियों का एहसास हो रहा था, तो दोनों ही कार्यकारिणी के पदाधिकारी चूंकि श्रेष्ठ हैं और ज्येष्ठ हैं समाज के, तो उन्होंने कहीं ना कहीं आपस में समन्वय मतभिन्नता थी, बाकी अंतर विरोध व्यक्तिगत नहीं था, कार्य प्रणाली को लेकर कहीं ना कहीं आक्षेप था, उसको लेकर दोनों ने दलों ने समन्वय करा, बैठ के वरिष्ठ लोग हमारे समाज के उन लोगों ने हस्तक्षेप करा, बैठ के इसको कई वाक्य को स्क्रैप करा और एक नया उदय आज जगदीश मंदिर में स्वर्णकार समाज में संपन्न हुआ। अब समाज पुनः एक रास्ते एकीकृत होकर आगे की ओर अग्रसर होगा और समाज रुके हुए कार्य यहाँ से जो आगे के लिए समाज को कैसे गति प्रदान हो, इसको लेकर पारदर्शिता को लेकर समाज आगे चलेगा और समाज को मध्य प्रदेश में एक इंदौर एक मजबूत रूप से उभर कर सामना आएगा। क्या आपको लगता है कि थोड़ी समाज को जोड़ना आसान काम?